अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वैल्यूली पार्ट टू पाकिस्तान स्टेज के टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, द वर्ल्ड वार वन। अब सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करें। द वर्ल्ड वार वन ब्रोक आउट इन 1914। ठीक है, वर्ल्ड वार वन हुई जिसमें यूके, यूएसए, रशिया और इटली अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की। ठीक है, तुर्की वाज़ द सेंटर, मतलब ये उस वक्त थे। ठीक है, तुर्की जो था उस वक्त सेंटर था इस्लामिक वर्ल्ड का। ठीक है, एट दैट टाइम एंड खिलाफत ऑफ खलीफा ऑफ द तुर्की वाज़ ऑन एंड खिलाफत ऑफ होल इस्लामिक। ठीक है, जो खलीफा थे तुर्की के वो ऑन किया जाता था, उन्हें समझा जाता था कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के जो है ना सेंटर ऑफ ये सब के वो जो, तो इस वजह से जो सेंटर ऑफ जो तुर्की था ना सेंटर ऑफ मुस्लिम वो वर्ल्ड का वो डेंजर में था। डिफरेंट अटेम्प्ट्स आर मेड टू डिमोलिश द खिलाफत ऑफ तुर्की। ठीक है, तुर्की की खिलाफत को मिटाने के लिए कुछ बहुत काफी ज्यादा काम किए गए। इंडियन मुस्लिम वरिड अबाउट द फ्यूचर ऑफ तुर्की। ठीक है, उन्हें तुर्की के खिलाफ खिलाफत के थे वरी थे, इस वजह से उन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हम लोग देखें खिलाफत कमेटी का बनी इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट मुस्लिम अंडर द लीडरशिप ऑफ एम ए अंसारी की लीडरशिप। इनकी खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें खिलाफत कमेटी को एक सेटअप किया गया। इसके बाद इंडियन डेपुटेशन कॉल्ड वाइसराय। ठीक है, एक डेपुटेशन हुई, डेपुटेशन हेडेड बाय एम ए अंसारी कॉल्ड वाइसराय। ठीक है, सब एम ए अंसारी ने वाइसराय को कॉल किया। ठीक है, मतलब डेपुटेशन ने कॉल किया वाइसराय को और उसे बताया गया कि मतलब जो ये है ना इंडियन मुस्लिम्स हैं वो कभी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि एमुलेशन ऑफ खिलाफत जो हो। ठीक है, वाइसराय ने प्रॉमिस किया कि जो सेंटीमेंट्स हैं उनको दिया जाएगा, कंसर्न किया जाएगा और कोई हार्म नहीं दिया जाएगा खिलाफत को। बट 1920 में एक ट्रीटी साइन कर दी जाती है। ठीक है, जो मुसलमानों को शॉक करती है क्योंकि ट्रीटी में क्लियर हो जाता है कि डिसाइड करता है कि डिस्ट्रॉय जो मुसलमानों के जो खिलाफत है उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसने दोबारा जो मतलब जब वो उसे बुलाते हैं तो वो दोबारा मतलब एक उसे कॉल करते हैं तो वो उसको वाइसराय जो था उसे अटेंशन नहीं करता। उसके बाद जब मतलब ये होता है तो मुसलमानों एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले गांधी जो है ना केम फॉरवर्ड होते हैं खिलाफत मूवमेंट में एस यूज दैट खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को प्रेशराइज गवर्नमेंट को करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए वो यूज़ करते हैं कि शायद इससे ये भी होगा कि अब हम लोग इंडिपेंडेंस भी ले सकते हैं। द प्लान वॉज टू कम्प्लीट बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। ठीक है, इसमें ये प्ले था कि प्लान था कि जो इंस्टीट्यूशन हैं और जो गुड्स हैं उनको बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया जाएगा। इंडियंस जो थे वो कानून को कहा गया था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और मतलब जो सर्विसेज हैं टाइटल्स हैं वो सबको उनको खत्म कर दिया जाए और नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट एक स्टार्ट कर दी गई थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। कायदे आजम इसके फेवर में नहीं थे इस कॉपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, उसके बाद हिजरत मूवमेंट थी। हिजरत मूवमेंट में ये हुआ कि मौलाना अब्दुल कलाम मोहम्मद इन्होंने एक फतवा इशू किया कि जो इंडिया है ना वो होम ऑफ वॉर है। ठीक है, इस वजह से जो जिधर यहाँ पे मतलब रिलीजन जो है ना मुसलमानों का रिलीजन वहाँ पे सेफ नहीं है, इस वजह से 18,000 मुस्लिम थे उन्होंने माइग्रेट किया था अफगानिस्तान। उसके बाद मैपल्स अपराइजिंग थे। ठीक है, मैपल्स अरब से। ठीक है, और ये पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इन्होंने कोई पोजेशन वगैरह वहाँ पे किया तो उसकी वजह से 60 लोग वहाँ पे मर गए थे क्योंकि सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। उसके बाद हम चोरा चोरी सानिया हम लोग का इंसिडेंट देखेंगे। ठीक है, गांधी अज्यूम द लीडरशिप बिकॉज मोस्ट ऑफ द मुस्लिम लीडर वर इन जेल। ठीक है, मुस्लिम लीडर जो थे बहुत सारे वो जेल में थे इसलिए गांधी को वो सरप्रस्ती दी गई थी उसकी। ठीक है, ही स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस। स्टार्ट की फ्रॉम द विलेज ऑफ चोरा चुनी से किया। पुलिस स्टार्टेड अप पीपल स्टार्टेड। ठीक है, लोगों को उसने उकसाया कि वो स्टार्ट करें पोजेशन, एक धरना वगैरह दें। पुलिस ने कहा कि वो मतलब डिस्पर्स होने के लिए पुलिस ने उन्हें कोशिश की पर उन्होंने जो फायर सेट कर दिए। ठीक है, पुलिस स्टेशन के ऊपर 22 पुलिस वाले जला दिए, पुलिस के उधर ही मतलब पुलिस स्टेशन भी जला दिया और 22 अंदर जिसके जल गए। ठीक है, गांधी शॉक हो गए इससे और उसने इस वक्त कॉल्ड ऑफ कर दिया मूवमेंट। ठीक है, मतलब एक उन्होंने गलत एक। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ मूवमेंट जब हम देखेंगे तो खिलाफत मूवमेंट एंड हुई थी जब मुस्तफा कमाल ने इंडियन मुस्लिम का मतलब मुस्तफा कमाल ने खिलाफत को एंड कर दिया था और इंडियन मुस्लिम इससे बहुत शॉक थे। इस बार हमने रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे। मुस्लिम बिकेम फ्रस्ट्रेटेड एंड लीडरलेस। ठीक है, मुस्लिम एक लीडरलेस से भी हो गए थे और फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ठीक है, वो नहीं जानते थे उन्हें अब क्या करना चाहिए। इट मेड मुस्लिम टू लॉन्च देयर फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ये मुसलमानों के लिए ये था कि उन्हें फ्रीडम मूवमेंट अब चला सकते थे, उनका जो एक अंदर का वो था वो खत्म हो गई थी। इट कन्फर्म टू मुस्लिम दैट हिंदूज वर नेवर सिंसियर टू देम। ये इस खिलाफत मूवमेंट ने बता दिया था कि हिंदू जो है कभी भी मुसलमानों से सिंसियर नहीं हो सकते। उसके बाद देखें जो ब्रिटिश जो थे वो अवेयर हो गए थे रिलीजियस फीलिंग के बारे में कि मुसलमानों की जो रिलीजियस फीलिंग है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैथन टू नेशन थ्योरी को उन्होंने स्ट्रैथन किया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं। ठीक है, इंक्रीज सफरिंग और मुसलमानों की सफरिंग जो थी वो बढ़ गई थी। इसके बाद अगर हम आप इसमें लिखना चाहते हैं कि इसकी रीजन ऑफ फेलियर में भी अगर आप लिखना चाहते हैं रीजन ऑफ फेलियर भी आप लिख सकते हैं। मुस्तफा कमाल ने इसको मतलब कर दिया था, इस वजह से रीजन हुई थी, मुसलमान जेल में थे और मतलब जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, वो आप इसमें लिख सकते हैं कि मतलब उनको वो उसका जो उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी गांधी ने, मतलब गांधी का रोल था, इस वजह से गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ यकदम कर दिया था, इस वजह से ये फेल हो गई थी। ठीक है, ऐसे कोई इतना असर अंदाज नहीं हुआ था। ठीक है, और इसका कंक्लूड कर देंगे आप। थैंक यू वेरी मच।